हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका करुणरस। क्या होता है करुणरस, सब कुछ वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछता है कि करुणरस के लक्षण बताइए, या तो एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है कि रस बताइए, इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज इन्हीं सब की पुष्टि करेंगे। तो लक्षण आप कैसे बताएंगे, तो लक्षण हम तीन पार्ट में बता सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा देनी होगी, उदाहरण देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है, बट जरूरी है, क्योंकि परिभाषा और उदाहरण तो आपने दे दिया, एग्जामिनर कैसे समझेगा। स्पष्टीकरण में क्या होता है, एक एक चीज बता के प्रूफ करनी होती है, जैसे कि मैथ एक क्वेश्चन में होता है, सिद्ध करना होता है। सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे, एक एक चीज प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे करुण रस होगा। ठीक, तो आज की हमारी जो परिभाषा है, भाव और विभाव का रूप है। भाव विभाव कैसे, आलंबन विभाव, स्थायी भाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव, सबका मिश्रण परिभाषा में बना हुआ है। उदाहरण में हम क्या करेंगे, इसके स्थायी भाव की अगर उदाहरण में पुष्टि हो जाती है तो हम कह देंगे यहाँ पे करुण रस है, कह सकते हैं ना। और स्पष्टीकरण में हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा और उदाहरण की से जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पे ही हम कहेंगे कि यहाँ पे करुण रस है। क्या करेंगे भाई, स्पष्टीकरण में जो चीजें परिभाषा उदाहरण से निकल के आएंगी तभी हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सिद्ध है कि यहाँ पे करुण रस है, जैसे मैथ में करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। इसका स्थायी भाव शोक होता है, किसका, करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहां पर, कहां पर, काव्य की पंक्तियों में, जहां पर शोक नामक स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव शोक होता है, जहां पर शोक नामक स्थायी भाव यूज किया जाए, विभाव यूज किया जाए, अनुभाव यूज किया जाए और संचारी भाव यूज किया जाए। जहां पर, कहां पर, काव्य साहित्य में, इसका स्थायी भाव शोक होता है, जहां पर काव्य साहित्य में शोक नामक स्थायी भाव यूज किया जाए, शोक नामक स्थायी भाव यूज किया जाए, शोक नामक विभाव भी यूज किया जाए, शोक नामक अनुभाव भी यूज किया जाए, शोक नामक संचारी भाव भी यूज किया जाए। ठीक है, तो ऐसा जो, ऐसी जो पंक्तियां बनती है, ऐसा जो उदाहरण बनता है, जो रस हमें प्राप्त होता है उस उदाहरण को पढ़ने में, जो आनंद उन पंक्तियों को पढ़ने में प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। सबसे पहले समझिए रस क्या होता है। रस बनता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के। इनको जब हमने मिला लिया, जैसे शरबत होता है ना, उसमें हमने भाई जल लिया, चीनी मिलाई, नींबू मिलाया, रूअबजा मिलाया, बन गया, चार चीजें मिला दी, घोल दिया, शरबत बन गया, बन गया। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, स्थायी भाव हमने ले लिया पानी, विभाव शक्कर ले ली, अनुभाव नींबू हो गया, संचारी भाव क्या हो गया, रूअबजा, इनको मिक्स कर दिया, क्या बन गया, रस बन गया, जो पंक्तियों को पढ़ने में हमें आनंद आता है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, इसका स्थायी भाव तो शोक होता है। ठीक है, तो शोक नामक स्थायी भाव हमने मिलाया, शोक नामक विभाव मिलाया, शोक नामक अनुभव मिलाया, शोक नामक संजारी भाव मिलाया, चारों को जब मिक्स कर दिया, क्या बन गया, करुण रस बन गया। पर लैंग्वेज में ये समझते हैं करुण रस क्या होता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का खो जाना, बिछड़ जाना, ना मिलना इत्यादि में होने वाले दुख से इसके स्थायी भाव शोक की पुष्टि होती है। जब कोई नायक नायिका अपने प्रेमी से बिछड़ जाते, जैसे ब्रेकअप हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, शोक होगा ना, दुख होगा, तो क्या होगा, करुण रस। या किसी प्रिय वस्तु का बिछड़ जाना, खो जाना, तो उसमें भी हमें शोक होगा, दुख होगा। या किसी का मर जाना, तो उसमें भी हमें शोक होगा, दुख होगा, तो हम क्या कहेंगे, करुण रस है, कह सकते हैं ना, दुख में करुण रस। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। मणि खोए भुजंगशी जननी, मणि खोए भुजंगशी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर बात हो रही, जब दशरथ जी द्वारा श्रवण कुमार को बाण लग जाता है और वो मर जाते हैं, तो उनकी माताजी के विलाप के का वर्णन यहाँ पे किया गया है। मणि खोए भुजंगशी जननी, जिस प्रकार एक सर्प, एक जो नागिन होती है, अपनी जब मणि खो देती है तो वो एकदम क्या होती है, एकदम मरने के समान, वो अपना शीश पटक पटक कर प्राण लेने की कोशिश करती है। उसी प्रकार यहाँ पे श्रवण कुमार की माँ का हाल है, उनका पुत्र श्रवण कुमार, उनका निधन हो गया था, जो कि दशरथ जी के बाण से हुआ था, और वो उनके लिए अपना शीश बार बार धरती पर पटक रही थी। जिस प्रकार एक नागिन अपनी मणि खो जाने से अपना शीश पटक पटक कर अपने प्राण ले लेती है, वैसे ही श्रवण कुमार की माँ अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण लेने पे तुली थी।
और क्या कह रही थी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, हे परमेश्वर आपने ये कैसा न्याय किया है, मुझे तो अंधी बना दिया, ऊपर से मेरा पुत्र भी मुझसे छीन लिया। हे जगदीश्वर आपने ये कैसा न्याय किया है, पहले तो मुझे अंधी बना दिया, ऊपर से जो मेरा पुत्र था, मेरा सहारा था श्रवण, उसको भी आपने मुझसे छीन लिया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, श्रवण कुमार की माँ विलाप कर रही है, अर्थात उनको दुख है क्योंकि उनका पुत्र श्रवण कुमार मर चुका है। ठीक है, उनके विलाप का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थाई भाव की तो पुष्टि हो गई ना भैया, शोक था अब, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा भाई, एग्जामिनर के सामने तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो स्थाई भाव देख लीजिए, यहाँ पर दशरथ द्वारा श्रवण कुमार के मारे जाने पर उनकी माता के विलाप यानी दुख का वर्णन किया गया है। किस प्रकार किया गया है, पहले देख लीजिए, स्थाई भाव इसका शोक है, पुष्टि हो गई है ना, इसका स्थाई भाव शोक है, दुख है यानी कि। अब विभाव देख लीजिए, इसका स्थाई भाव शोक है, पुष्टि हो गई ना, विभाव है दशरथ की उपस्थिति, क्योंकि दशरथ आए थे, खुद ही बताने आए थे जब उनकी माँ को पानी पिला रहे थे, तो उन्होंने खुद ही बताया कि आपका पुत्र मुझसे मर चुका है। ठीक है, स्थाई भाव शोक हो गया, विभाव हो गई दशरथ की उपस्थिति, अनुभव हो गई सिर पटकना, उनकी जो माता जी थी वो सिर पटक पटक कर अपने प्राण ले रही थी, तो अनुभव ये हो गया। संचारी भाव हो गया श्रवण कुमार की स्मृतियां, स्थाई भाव शोक हो गया, विभाव दशरथ की उपस्थिति हो गई, अनुभव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे शोक नामक स्थाई भाव था, शोक नामक विभाव था, शोक नामक अनुभव था, शोक नामक संचारी भाव था, इन सब से मिलकर क्या बना आपका, करुण रस बना, बन गया ना। तो देख सकते हैं आप, अतः प्रस्तुत पंक्तियों में इसके स्थाई भाव शोक की पुष्टि हो रही, अतः हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे करुण रस है। तो आई होप आपको करुण रस समझ में आया, इसका परिभाषा समझ में आई, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।